इस मंत्र का प्रयोग करें और आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आज हम जिस हनुमान शाबर मंत्र के विषय में आपको बताने जा रहे हैं, उस मंत्र के प्रयोग से आपके शत्रु का नाश हो जाता है। चाहे आपको कोई सता रहा हो या आपको निर्बल समझकर आप पर बल प्रयोग कर रहा हो और आपका जीना दूभर कर रखा है, तो विश्वास माने इस मंत्र प्रयोग से वह कहीं का नहीं रहेगा, उसका नाश हो जाएगा। मित्रों, यह हनुमान जी का शाबर मंत्र है, तो आप बस कल्पना करें, जब आप उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाएंगे तो आपके शत्रु का क्या होगा। ऐसे दुरात्मा मनुष्य जो दूसरों को सताते हैं, इस मंत्र प्रयोग के बाद उनका तन मन शिथिल पड़ जाता है और वो पंगु हो जाते हैं। क्योंकि यह एक शाबर मंत्र है, इसलिए यह स्वयं सिद्ध है। बस आपको इसे अपने लिए एक छोटी सी प्रक्रिया से जगाना है। इसके जागृत हो जाने पर इसका प्रयोग आपको शत्रुओं से मुक्त कर देगा। मंत्र जागरण विधि। सर्वप्रथम किसी शुभ मंगलवार के दिन नहा धोकर एकांत पवित्र स्थान में हनुमान जी का चित्र रखें और उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इस मंत्र का एक माला जप करें। यह क्रम दैनिक पूजा के रूप में 21 दिनों तक चलना चाहिए। इस अवधि में साधक पूर्ण संयम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और निष्ठा पूर्वक रहे। उसे हर तरह से स्वयं को सात्विक विचारों में लीन और हनुमंत चिंतन में मग्न रखना चाहिए। पूजा में प्रतिदिन 7 लड्डू और 7 पान के बीड़े नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। मूर्ति या चित्र पर सिंदूर लेप और पूजा में धूप दीप का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार 21 दिनों तक या संभव हो सके तो 41 दिनों तक प्रतिदिन नियम निष्ठा के साथ एक माला यानी कि 108 दानों का जप करते रहें। अवधि पूरी हो जाने पर यही मंत्र पढ़कर 21 बार आहुति देते हुए हवन करें। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाने पर यदि कभी आवश्यकता पड़े तो शत्रु के दमन हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग का नियम इस प्रकार है। कहीं एकांत में भूमि पर एक मानवाकृति बनाएं, उसे शत्रु का चित्र मानकर उसे बंधन में करने के लिए मोम की 4 कीले बनाकर चित्र के चारों ओर जमा दें। ध्यान रहे कि चित्र बनाने से लेकर अंत तक साधक मन ही मन उक्त मंत्र का जप करता रहे। चित्र बन जाने और उस पर मोम की कीले लगा चुकने के पश्चात हनुमान जी की पूजा करें और नैवेद्य में खीर अर्पित करें। इसके पश्चात चित्र की छाती में शत्रु का नाम लिखें और मंत्र पढ़ते हुए उसके सिर पर जूते से 2 बार प्रहार करें। चित्र के चारों ओर 20 मंत्र भी लिखना चाहिए। यह प्रयोग शत्रु को तन मन से शिथिल करके पंगु बना देता है। 20 मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। मंत्र ओम नमो हनुमंत बलवंत माता अंजनी पुत्र हल हलंत आओ चढ़त आओ गढ़ किला तोरंत आओ लंका जाल बाल भस्म करी आओ लौंगो लंगूरते लपताए सुमिरते पटका ओ चंद्री चंद्रावली भवानी मिलगावे मंगलचार जीत राम लक्ष्मण हनुमान जी आओ जी तुम जाओ 7 पान का बीड़ा चाबत मस्त सिंदूर चढ़ो आओ मंदोदरी के सिंहासन दुलंता आओ यह आओ हनुमान माया जागते नृसिंह माया आगे भैरों किलकिलाए ऊपर हनुमंत का जय दुर्जन को मार दुष्ट को मार सहार राजा हमारे सत गुरु हम सत गुरु के बालक मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हम आपको एक बात पहले ही बताते चलें, इस मंत्र के प्रयोग से पूर्व एक बात को भली भांति समझ ले। यह हनुमान जी का शाबर मंत्र है। इसकी सिद्धि के लिए तन मन विचार आहार का सात्विक और पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी के शाबर मंत्र सिद्ध मनुष्य को सदियों ही सात्विक रहना होता है और इस मंत्र का प्रयोग दुर्भावना या बुरे विचारों से करने पर यह साधक का नाश कर देती है। हनुमान जी अत्यंत भोले हैं, पर किसी सज्जन को उनके मंत्रों से कष्ट दिया जाए तो वो साधक का नाश कर देते हैं। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो अत्यधिक उपयोगी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।